बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों हर तरफ फिल्म पद्मावत की चर्चा हो रही है। फिल्म के लीड स्टार्स यानी कि दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की हर तरफ चर्चा हो रही है। हाल ही में शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह से बेहतर तरीके से कर सकते थे। इसके बाद दोनों के कोल्ड वॉर की खबरें आने लगी थी और कहा जाने लगा था कि पद्मावत में रणवीर सिंह की ज़्यादा तारीफ होने के कारण शाहिद को उनसे जलन होने लगी है। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद ने कहा है कि वो अपने किरदार से संतुष्ट है और उन्हें किसी से जलन नहीं है। शाहिद ने बातचीत के दौरान कहा कि संजय लीला भंसाली फिल्म में उनके जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता को ही रखना चाहते थे। उन्होंने फिल्म में काम किसी कैरेक्टर की वजह से नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि संजय लीला भंसाली उन्हें फिल्म में लेना चाहते थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के काफ़ी पहले ही उन्होंने फिल्म में काम करने को लेकर हामी भर दी थी। शाहिद ने आगे बताया कि संजय लीला भंसाली ने उनसे कहा था कि वो उनके बिना ये फिल्म नहीं बना सकते। इस फिल्म के पूरा होने के लिए उनके जैसे टैलेंटेड कलाकार की सख्त ज़रूरत है। शाहिद के मुताबिक जब किसी फिल्म में कोई किरदार को ज़्यादा प्रतिभाशाली बनाया जाता है या फिर प्रभावशाली दिखाया जाता है तो बाकी कलाकारों के लिए दर्शकों का बराबर ध्यान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन।